लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की कल जारी होगी अधिसूचना। इस चरण में 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 94 लोकसभा सीटों पर होंगे चुनाव। पूरे झारखंड में प्रकृति पर्व सरहुल की धूम, जगह जगह आयोजित हुए कार्यक्रमों में आम से लेकर खास लोगों ने की पूजा। दोपहर बाद सड़कों पर निकली शोभा यात्रा में दिखा परंपरा का रंग। पूरे झारखंड समेत देशभर में धूमधाम से मना ईद। ईदगाहों में अदा की गई विशेष नमाज, लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को दी मुबारकबाद। और राज्य के कई स्थानों पर आज और कल बारिश की संभावना। आंधी और वज्रपात को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की अधिसूचना कल जारी होगी। इस चरण में 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 94 लोकसभा सीटों पर चुनाव होंगे। इस चरण में 19 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किया जा सकता है। मतदान 7 मई को होगा। लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनावी प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड के ऋषिकेश और राजस्थान के करौली में विजय शंखनाद रैली को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरा पल पल आपके नाम, हर पल देश के नाम, और राजस्थान कह रहा है एक बार फिर मोदी सरकार। कांग्रेस की सरकार थी तो गरीब का, नौजवान का पैसा बिचौलिए खा जाते थे। भाजपा सरकार लोगों के हक का पैसा सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर रहा है। उत्तराखंड के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का 2600 करोड़ रुपए से अधिक उनके खाते में जमा हो चुके हैं। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी लगातार जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। राहुल गांधी ने आज राजस्थान के अनूपगढ़ और फलौदी में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो 30 लाख नौकरियां देंगे और ठेका प्रथा को बंद करेंगे। दूसरे नंबर पे कौन सा है? दूसरे नंबर पे महंगाई, दूसरे नंबर पे 90% लोग आपको कहेंगे, पहले नंबर पे बेरोजगारी, दूसरे पे महंगाई। अब आपने एक चीज नोट की होगी कि हिंदुस्तान की जनता से अगर आप पूछें तो वो आपको बताएंगे पहले नंबर पर बेरोजगारी, दूसरे नंबर पर महंगाई। राजमहल संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाले पाकुड़ जिले में आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने विधानसभा स्तरीय सांगठनिक बैठक की। पाकुड़ जिले में के महेशपुर, लिट्टीपारा और पाकुड़ विधानसभा स्तरीय इस बैठक में तीनों विधानसभा के कार्यकर्ता शामिल हुए। श्री मरांडी ने कार्यकर्ताओं के साथ लोकसभा चुनाव में पार्टी की जीत को लेकर रणनीति पर चर्चा की। पार्टी प्रत्याशी ताला मरांडी समेत अन्य लोग भी इस बैठक में मौजूद थे। और लोगों से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान के लिए प्रेरित करें ताकि 2024 में फिर नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री। इधर इंडी गठबंधन ने जिन सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है वहां पर जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया गया है। इंडी गठबंधन के 14 में से 9 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। हालांकि कुछ सीटों पर अभी भी गठबंधन में सहमति नहीं बन पाई है। कहा जा रहा है कि इस वजह से प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हो सकी है। इस बीच सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस जल्द ही अपने कोटे की सीटों की घोषणा कर सकती है।
लोकसभा चुनाव से पूर्व झारखंड पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। चाईबासा पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस के समक्ष आज कोल्हान और सारंडा के जंगलों में सक्रिय मिसिर बेसरा और अनिल दस्ते के 15 सक्रिय सदस्यों ने आत्मसमर्पण मुख्यधारा में जुड़ने का फैसला किया। इनमें कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। कोल्हान के डीआईजी मनोज रतन चौथे ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताते हुए बचे हुए नक्सलियों से भी सरेंडर करने की अपील की। झारखंड पुलिस सीआरपीएफ कोबरा सभी के लिए एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण दिन है। कुल 15 माओवादियों ने आज यहां पे सरेंडर किया है, जिसमें दो महिलाएं भी है, एक नाबालिग है और ये लोग काफी दिनों से माओवादी संगठन के साथ जुड़े हुए थे। मैं समझता हूं कि ये चुनाव के पूर्व ये जो सरेंडर्स हुए हैं कहीं ना कहीं हम लोगों को लोकसभा के चुनाव फ्री एंड फेयर तरीके से संपन्न कराने में भी मदद करेंगे। साथ ही ये काफी बड़ा झटका मुझे लगता है कि माओवादियों के लिए लगा है और मैं आपके माध्यम से भी सभी से अपील करूंगा कि जो बचे हुए लोग हैं वो सरेंडर करें। इधर नक्सलियों द्वारा लोकसभा चुनाव में किसी भी बड़ी घटना को अंजाम देने की मंशा के पहले पुलिस ने उसे विफल कर दिया है। पुलिस ने तमाड़ थाना क्षेत्र के मोनोगोरा और आकार कोला निर्माणाधीन मार्ग पर एक पुलिया के नीचे से तलाशी के दौरान 8 किलो का एक आईईडी बरामद किया है। बाद में इस डिफ्यूज दस्ते ने निष्क्रिय कर दिया। यह बम तार से जोड़ा गया था जहां किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की ये कोशिश में थे। आज प्रकृति पर्व सरहुल है। पूरे झारखंड में धूमधाम से यह पर्व मनाया गया। जगह जगह आयोजित हुए कार्यक्रमों में आम से लेकर खास लोग शामिल हुए और एक दूसरे को प्रकृति पर्व की बधाई दी। प्रकृति पर्व सरहुल की पूरे झारखंड में धूम है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में सरहुल पर भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें अन्य लोगों के अलावा राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा शामिल हुए। दोनों अतिथियों ने पाहन के साथ विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। मौके पर राज्यपाल ने कहा कि इस पर्व में यह संदेश निहित है कि प्रकृति के बिना मानव जाति का अस्तित्व नहीं है। There is nowhere in the world that a celebration for protecting the trees, worshipping the trees as God, worshipping the nature as God is never celebrated in a big scale. That Jharkhand is a state where nature is being worshipped by every citizen of Jharkhand. मौके पर राज्यपाल के साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और राज्यसभा सांसद महुआ मांझी भी अपनी भावना को रोक नहीं सकी। तब माहौल में उत्साह का रंग घुल गया और उपस्थित सभी लोग गीतों पर एक साथ झूमने को मजबूर हुए। श्री मुंडा ने कहा कि सरहुल प्रकृति के अस्तित्व और मानव जीवन के अनुशासन को समझने का अवसर भी है। सांसद ने भी राज्यवासियों को सरहुल की शुभकामनाएं दी। यह उत्सव समरसता सबके अस्तित्व को और उसके महत्व को समझने का है। प्रकृति उपासना के इस महापर्व के अवसर पर आदिवासी कॉलेज छात्रावास हातमा और करमटोली के साथ ही सिरमटोली में पूजा अर्चना कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम सभी लोगों को मिलजुल कर आपसी सौहार्द और एकजुटता के साथ इन परंपराओं को आगे बढ़ाने की जरूरत है। इस सरहुल पूजा उपलक्ष्य पर झारखंड वासी और देशवासियों को शुभकामना देता हूँ। जनजातीय समुदाय के लिए सरहुल नवीन वर्ष का आगमन है, जब शादी विवाह और दूसरे शुभ कार्य आरंभ हो जाते हैं। मौके पर जनजातीय युवतियों ने गीतों के जरिए अपने उल्लास का इजहार किया। सरहुल सारे आदिवासी लोग का पर्व है, लेकिन संथालों का ये दूसरा प्रकृति पर्व है।
वैसे तो चैत्र शुक्ल तृतीया को सरहुल होता है, लेकिन यह पर्व दिन और तिथियों के बंधन से मुक्त भी है और उन्मुक्त भी। बसंत के आगमन के बाद जब प्रकृति खुश दिखे और सरे में भरपूर फूल आ जाए तो समझो सरहुल है। रांची से अवधेश गौतम के साथ मैं दिवाकर कुमार। सरहुल को लेकर राजधानी रांची में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में जनजातीय परिवारों के अलावा दूसरे लोग भी शामिल हुए। पारंपरिक वाद्य यंत्रों और क्षेत्रीय लोकगीतों की धुन पर श्रृंखलाबद्ध होकर नाचते गाते महिला पुरुष सरहुल की मस्ती में डूबे दिखे। शोभा यात्रा के दौरान पारंपरिक अभिवादन और फूलकोसी की औपचारिकता भी होती रही। विभिन्न संगठनों द्वारा जगह जगह पर शोभा यात्रा में शामिल लोगों का स्वागत भी किया गया। इस दौरान शोभा यात्रा की भव्यता देखते ही बन रही थी। लोहरदगा जिले में भी प्रकृति पर्व सरहुल का भव्य आयोजन किया गया। केंद्रीय सरना समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कई नेताओं के साथ आम लोग भी शामिल हुए। जिले में सरहुल पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया। लोग गांव-गांव से आकर शहरी क्षेत्र में सरहुल के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में शामिल हुए। वहीं सरहुल के मौके पर आदिवासी समाज के लोग पारंपरिक वेशभूषा के साथ ढोल नगारे पर झूमते नजर आए। प्रकृति पर्व सरहुल को लेकर शहरी क्षेत्र स्थित सरडा पूजा स्थल झकरा कुंभा में आदिवासी पूजा पद्धति से पूजा अर्चना की गई और भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। आज मुस्लिम धर्मावलंबियों का महत्वपूर्ण त्यौहार ईद है। इस मौके पर लोगों ने विभिन्न मस्जिदों और ईदगाहों में ईद की नमाज अदा की और अमन और तरक्की की दुआ मांगी। रमजान खत्म हुआ, कल चांद का दीदार हुआ और आज लोग हर्षोल्लास के साथ ईद मना रहे हैं। इस मौके पर विभिन्न मस्जिदों और ईदगाहों में लोग इकट्ठा हुए और ईद की नमाज अदा की। लोगों ने गले लगकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी और समाज में अमन और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। आज ही ईद है और ईद हम तमाम मुसलमानों का, पूरी दुनिया में बसने वाले मुसलमानों का सबसे मुकद्दस और सबसे बड़ा त्यौहार यही है। उसके साथ साथ जो हमारा ये झारखंड स्टेट है, इसमें जो आदिवासी भाई हमारे रहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा, उनका जो अपना एक धार्मिक त्यौहार है ये सरहुल, वो भी मिल गया। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग इसी तरीके से मिलके जुलके इस मुल्क की उन्नति और इसकी बहबूदगी के लिए फलाह बहबूदगी का काम करें। ईद प्यार और मोहब्बत का पैगाम देता है। लोगों ने कहा कि यह गले मिलने का त्यौहार है, यह हमें समाज में मिलजुल कर रहना सिखाता है। सरहुल भी है और हमारा ईद भी है। ईद के मुकद्दस महीने पर हम लोग ये दुआ किए हैं और खासकर हम लोग रामनवमी भी है, उनको अकेले नहीं कर सकते हैं। दो मंगलवार पार हो चुका है, हम कल परसों एक मंगलवार होगा और तो तीन धर्म के हम लोग का जो एक पर्व है, फेस्टिवल है, हम लोग यही दुआ किए कि सब लोग मिलकर, सब लोग अमन से और सब लोग प्यार से हर पर्व को मनाया। एक ही दिन सरहुल और ईद साथ साथ होने से चारों ओर उत्सव का नजारा दिखा। ईद के साथ ही लोगों ने सरहुल की भी बधाइयां बांटी। के बाद में ऐसा सौभाग्य हुआ है कि ईद और सरहुल हम लोगों का दोनों त्यौहार एक दिन पड़ रहा है, तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी तमाम अहले वतन को ईद की बहुत बहुत मुबारकबादी पेश करता हूं और साथ ही साथ अपने सरहुल के मतलब के त्यौहार पर अपने आदिवासी भाइयों को जो जल जंगल जमीन की उपासना करते उनको भी सरहुल के बहुत 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 मुबारकबाद। आकर्षक परिधानों में आपस में गले मिलते छोटे छोटे बच्चे उत्सव की शोभा को और बढ़ा रहे थे। सरहुल और ईद का साथ होना भी भाईचारगी का संदेश दे गया। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। इधर जमशेदपुर के विभिन्न मस्जिदों और ईदगाह में भी ईद की नमाज अदा की गई। जुगसलाई ईदगाह मैदान में आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय विधायक मंगल कालिंदी भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ईद के इस मौके पर
राष्ट्र में अमन चैन की दुआ की गई। लोगों ने एक दूसरे के सुख समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम में मौजूद स्थानीय नेता हिदायत खान ने कहा कि ईद ऐसा पर्व है जिसमें हम सब लोग मिलकर खुशियां मनाते हैं। मिलजुल कर आपस में खुशी बांटने का त्यौहार है और देश और राज्य के लोगों की खुशहाली की कामना की है। उधर लोहरदगा में भी धूमधाम से ईद मनाया गया। नमाज के लिए कतारों में न ही जात पात और न ही किसी ऊंच नीच की भावना को जगह मिली। स्थान मिला तो सिर्फ नेकी, भाईचारगी, एकरूपता और एकजुटता को। सबने अमन और तरक्की की दुआ की। लोहरदगा में 7:45 बजे बड़ी मस्जिद के इमाम मौलाना शमीम रिजवी ने ईदगाह में नमाज अदा कराई। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि ईद का त्यौहार आपसी प्रेम और भाईचारगी का त्यौहार है। ईदगाह सहित अन्य मस्जिदों में विधि व्यवस्था का भी खास ख्याल रखा गया था। लोहरदगा की ईदगाह में भारी संख्या में लोगों का जुटान हुआ है। बहुत ही पीसफुल तरीके से नमाज पढ़ी गई है। सब लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी है। सबसे पहले हम लोहरदगा वासियों को, सभी लोगों को ईद के और सरहुल का दोनों को मुबारकबाद देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आज खुशी का, डबल खुशी का दिन है और शांति से लोहरदगा का अवाम और अमन और अमान के साथ मनाएंगे। लोक आस्था का महापर्व चैती छठ की शुरुआत कल नहाय खाए के साथ शुरू होने जा रही है। नहाय खाए को लेकर आज देवनगरी बाबाधाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। सीमावर्ती राज्य बिहार सहित अन्य जगहों के लोग भी बाबाधाम पहुंचे और शिवगंगा में आस्था की डुबकी लगाई। नहाय खाए को लेकर पूरे शिवगंगा क्षेत्र को दुल्हन की तरह सजाया गया है और घाटों की विशेष साफ सफाई भी कराई गई है। कब से शुरू है और शिवगंगा तालाब जो देख रहे हैं, यह शिवगंगा तालाब हमारा छोटा गंगा रूप के रूप में जाना जाता है। नशे के कारोबार पर लगाम कसने को लेकर रांची पुलिस ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार सर्च अभियान चला रही है। इसी के तहत रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर मोटरसाइकिल से बुंडू से सोनाहातू जा रहे दो लोग देवीनाथ सिंह मुंडा और राधिका कुमारी को अवैध अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया है। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर बताया कि डीएसपी बुंडू के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया। गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सोनाहातू थाना गेट के पास वाहन चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सवार के पास से 2 किलो अवैध अफीम, 2,000 रूपये, एक बिना नंबर का मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। गिरफ्तार हुआ और पत्नी के बैग से जो है 2 किलो अफीम पाया गया। नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट डेट यूजी 5 मई को होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस संबंध में पत्र जारी किया है जिसमें बताया गया है कि चुनाव या किसी अन्य कारणों से परीक्षा स्थगित नहीं की जाएगी। परीक्षा 5 मई को दोपहर 2 बजे से संध्या 5:20 तक होगी। इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। यह परीक्षा 13 भाषाओं में आयोजित होगी। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। लातेहार के उपायुक्त ने आगामी पर्व में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शांति समिति की बैठक की। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारियों को सतर्कता एवं सजगता के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चतरा के उपायुक्त रमेश घोलप के निर्देश पर जिले में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। इस दौरान नुक्कड़ नाटक एवं डांस के माध्यम से भी लोगों को जागरूकता, मतदान की महत्ता के बारे में बताया गया। सभी जिलों में रामनवमी की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही है। रांची विधायक सीपी सिंह ने चैम्बर भवन में श्री महावीर मंडल रांची महानगर की बैठक में शामिल हुए और सदस्यों का उत्साहवर्धन किया। लातेहार जिले के उपायुक्त ने आपूर्ति विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के सुचारू रूप से क्रियान्वयन को लेकर बैठक की। इस दौरान उन्होंने खाद्यान्न उठाव और परिवहन की स्थिति की समीक्षा कर अधिकारियों को कई निर्देश दिए। गढ़वा के जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने लोकसभा चुनाव को लेकर गढ़वा एवं डंडा प्रखंडों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बीएलओ, बीएलओ प्रेक्षक एवं सेक्टर पदाधिकारियों का संग तैयारियों की समीक्षा की। पलामू पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर हुसैनाबाद में एक कार से अवैध देशी शराब, 37 पेटी तथा 120 बोतल अंग्रेजी शराब की बोतल बरामद की। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है।
पलामू के डीआईजी वाईएस रमेश ने गढ़वा जिले के बिलासपुर बाजार के पास झारखंड उत्तर प्रदेश सीमा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन के लिए शांतिपूर्ण और भयमुक्त चुनाव कराना प्राथमिकता है। धनबाद के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने गुप्त सूचना के आधार पर निरसा के एक क्वार्टर में छापेमारी कर 402 पीस केन बियर और 1056 बोतल बियर बरामद किया। हालांकि इस मामले में किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। सरहुल के मौके पर राज्य से सिरम टोली सरना स्थल पर मुख्य वाहन ने पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। राज्य में कई स्थानों पर आज और कल बारिश की संभावना है। इस दौरान आंधी और वज्रपात को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी रांची समेत आसपास के क्षेत्रों में आज सवेरे से ही बादल छाए हुए हैं और सुबह के समय अच्छी बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान सिमडेगा में सर्वाधिक 12 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश का यह सिलसिला आगामी 14 अप्रैल तक जारी रहेगा, उसके बाद ही 15 से मौसम साफ होगा। देवघर में एक बार मौसम ने फिर करवट ली है। बीते दिन लोगों को गर्मी से काफी परेशानी हो रही थी, वहीं आज सुबह से ही लोगों को गर्मी से राहत मिली है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और बारिश की भी संभावना व्यक्त की गई है। स्थानीय लोग बताते हैं कि पिछले दिनों धूप अत्यधिक बढ़ जाने से और हीट वेव की वजह से घर से निकलना मुश्किल हो रहा था, वहीं आज सुबह से ही मौसम बिल्कुल बदला हुआ है। गर्मी लगातार यहां परेशान कर रही थी, आज सुबह से बहुत राहत। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 28.6 और न्यूनतम 18.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 24.6 तथा डाल्टेनगंज का अधिकतम तापमान 36.8 और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नजर। 11 अप्रैल साल 1970 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने केनेडी स्पेस सेंटर से अपोलो 13 को लॉन्च किया। इस मिशन में नासा ने तीन अंतरिक्ष यात्रियों जिम लोवेल, जैक स्विगर्ड और फ्रेड हाइस को अंतरिक्ष में भेजा। पूरी दुनिया की धड़कनें रोकने वाला यह मिशन मानस पटल पर एक नई कहानी गढ़ गया। नासा का यह मिशन चांद के ऊपर तो घूमा, लेकिन उसके सतह तक पहुंचने में असफल रहा। यान में समस्या के कारण अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह तक नहीं पहुंच पाए। जैसे ही दो ऑक्सीजन टैंक फेल होने की सूचना नासा स्पेस सेंटर को प्राप्त हुई तो सेंटर में हड़कंप मच गई। अब अंतरिक्ष यात्रियों के पास केवल 2 घंटे का ही ऑक्सीजन बचा था। इस मिशन पर गए यात्री अंतरिक्ष में लगभग 56 घंटे का समय बिता चुके थे। यही नहीं, बैटरी बैकअप भी लगभग खत्म हो चुका था। ऐसे में चांद पर उतरना तो दूर, पृथ्वी पर वापस लौटने के रास्ते भी न के बराबर ही रह गए थे। चंद्र लैंडिंग की असफलता को देखते हुए नासा ने अपने इस मिशन को रद्द करने का फैसला लिया और मिशन नियंत्रकों ने चालक दल को जीवित घर लाने के लिए काम करना शुरू कर दिया। आखिरकार नासा अपने अंतरिक्ष यात्रियों को बचाने में सफल हुआ और उनका मॉड्यूल दक्षिण प्रशांत सागर में गिरा। नासा के सभी अंतरिक्ष यात्री एकदम सुरक्षित थे। प्रत्येक वर्ष 11 अप्रैल को पार्किंसन डे मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य इस रोग के प्रति लोगों को जागरूक करना है। आइए जानते हैं इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से कि पार्किंसन रोग के लक्षण और उसके उपचार के बारे में। ये है बलजीत सिंह बेदी। 60 साल के बलजीत सिंह बेदी पार्किंसन बीमारी से ग्रसित हैं। 12 साल पहले अचानक इनके हाथों में कंपन शुरू हुआ तो बलजीत सिंह ने लखनऊ में डॉक्टरों को दिखाया। जांच के बाद पता चला कि उनको पार्किंसन बीमारी है। इलाज के बाद अब बलजीत सिंह पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं। उंगलियां हिलने शुरू हुई थी तब हमने इलाज करवाया लखनऊ में मेडिकल कॉलेज में। उसके बाद दवाई से काफी आराम मिला। फिर वहां से किसी ने यहाँ बताया कि यहाँ दिखाओ एम्स में, तो हम रेफर लिखवा के लखनऊ के डॉक्टर से यहाँ आए, यहाँ कार्ड बनवाया, तो यहाँ से इलाज कर रहे हैं। काफी आराम है हमको।
पार्किंसन बीमारी मस्तिष्क से जुड़ा एक विकार है। पार्किंसन रोग के कुछ सामान्य लक्षण हैं: हथेली, बाजू, पैर, जबड़े या सिर का कांपना, मांसपेशियों में अकड़न, गतिविधियों में धीमापन, बिगड़ा हुआ संतुलन जो कभी कभी व्यक्ति के गिरने का कारण बनता है, निगलने, चबाने और बोलने में कठिनाई। पहले पार्किंसन बोलने के लिए हमें ब्रैडीकाइनेसिया सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सिम्टम है। ब्रैडीकाइनेसिया जो बोलते हैं आदमी अपना काम करने में स्लो हो जाना, मतलब पहले जो 10 मिनट में खाना खाते थे अब 20 मिनट में खाना खाएंगे, पहले पर आधा घंटे में कोई नहाता था अभी वो एक घंटा लगा रहा है नहाने में, कपड़ा पहनने में 5 मिनट वो अब 15 मिनट में कपड़ा पहन रहे। वो स्लो हो जाना एक प्राइमरी सिम्टम होता है कि पार्किंसन में स्लो हो जाना। देश की आबादी बढ़ रही है, उस हिसाब से पॉल्यूशन और उस हिसाब से बाकी चीजें, केमिकल एक्सपोजर, वो सब चीजें बढ़ रही है, तो हो सकता है उसके कारण ज्यादा इंडिया में प्रिवेलेंस बढ़ रहा है। पार्किंसन बीमारी की अगर समय पर पहचान और इलाज हो जाए तो मरीज बेहतर जिंदगी जी सकता है। दवाई अर्ली स्टेज में बहुत अच्छा इफेक्टिव है, लेट स्टेज में भी हम लोग जब सर्जरी भी करते हैं, डीबीएस भी करते हैं, तो भी गोली का कुछ सर्जरी ऐसे होते हैं जिसमें गोली का असर कम, माने गोली का डोज हम कम कर सकते हैं। कुछ ऐसा पार्किंसन का टारगेट है जो गोली का डोज नहीं कम होती, पर उससे भी वो टारगेट के साथ गोली देना हमें मिनिमम एक जरूरत पड़ती है। पार्किंसन की बीमारी विदेशों में 60 से 70 साल के उम्र में देखने को मिलती है, लेकिन भारत में ये बीमारी 50 साल के उम्र के लोगों में भी देखने को मिल रही है। भारत में 1 लाख की आबादी पर 16 पार्किंसन के मरीज देखने को मिल रहे हैं। जाहिर है बढ़ती उम्र के साथ ये बीमारी आने वाले दिनों में एक चुनौती के रूप में भी सामने आएगी। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की कल जारी होगी अधिसूचना। इस चरण में 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 94 लोकसभा सीटों पर होंगे चुनाव। पूरे झारखंड में प्रकृति पर्व सरहुल की धूम, जगह जगह आयोजित हुए कार्यक्रमों में आम से लेकर खास लोगों ने की पूजा। दोपहर बाद सड़कों पर निकली शोभा यात्रा में दिखा परंपरा का रंग। पूरे झारखंड समेत देशभर में धूमधाम से मना ईद, ईदगाहों में अदा की गई विशेष नमाज, लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को दी मुबारकबाद। और राज्य में कई स्थानों पर आज और कल बारिश की संभावना, आंधी और वज्रपात को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट।